नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूँ मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है JNK इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेगा तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 50 करोड़ से 150 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी एक न्यू प्रोसेस प्लांट के सेटअप करने का काम करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 34 रूपये बढ़कर अपर सर्किट लग गया था और इसका शेयर 735 रूपये तक पहुंच गया था। यह कंपनी 30 अप्रैल 2024 को 638 के भाव पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और अब इसका शेयर 734 रूपये का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2010 में बनी थी। ये कंपनी फायर हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेस को बनाने का काम करती है। ये सारे प्रोडक्ट्स ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन एंड मेथेनल प्लांट्स में यूज होते हैं। अब मैं आपको इस कंपनी को पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 46.7% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 26.6% अपनी होल्डिंग कम की है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 4084 करोड़, पी रेशो 65.2, आरओई 39.5% और डेप्ट टू इक्विटी 0.34 है। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूं। इसमें एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया है। अप्रैल 2024 में एफआईआई का स्टेक में 4.61% था और अब कम होकर जून 2024 में एफआईएस का स्टेक्स में 3.50% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 67.97%, म्यूचुअल फंड्स का 17.98%, रिटेल का 9.99%, एफआईएस का 3.50% और डीआईएस का 0.56% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।